हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स 2022, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। दोस्तों, इस टॉपिक से चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उससे 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो दोस्तों, जैसा कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो है वो प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022, जिसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 14 नवंबर 2022 को इस पुरस्कार की घोषणा की और इसको दिया गया 2022 खेल रत्न पुरस्कार 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के अंतर्गत 6 पुरस्कार आते हैं, जिसमें से पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है और 1991-92 से शुरुआत किया गया। दूसरा आता है अर्जुन पुरस्कार, जो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है, इसमें 15 लाख राशि दिया जाता है, 1961 से इसकी शुरुआत हुआ। तीसरा होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है, जिसे 15 लाख धनराशि दिया जाता है और 1985 से इसका शुरुआत हुआ। चौथा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, जिसमें 10 लाख धनराशि दिया जाता है और 2002 से इसकी शुरुआत हुआ। और पांचवा है राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार, जो 2009 से शुरुआत हुआ है। और छठवां है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होने पर, जिस जो 1956-57 में स्टार्ट हुआ, जिसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है। इन 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि दोस्तों, भारत में दिया जाने वाला खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और जैसा कि यह 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, जबकि अब 2021 में इसका नाम बदलकर मोदी सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी हटा करके मेजर ध्यानचंद वहां पे रख दिया गया, आगे खेल रत्न से आप जान लीजिएगा कि वही बात कह रहा है। तो मैं आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज होकर के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई और प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज यानी चेस खिलाड़ी हैं। और भारत का सबसे कम आयु में पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है अभिनव बिंद्रा, मात्र 18 वर्ष की आयु में। एंड करण मल्लेश्वरी को 1994-95 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भारतीय हैं। दोस्तों, इसे धनराशि दिया जाता है 25 लाख, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो इसको मात्र एक खिलाड़ी को दिया गया, उसका नाम है अचंत शरत कमल। इसका नाम ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि अचंत
अचंत शरत न देकर के कमल भी दे सकता है, तो आप कमल याद किए रहिएगा। तो अचंत शरत कमल एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। जैसा कि इनका जन्म 12 जुलाई 1982 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में मेन सिंगल्स एंड मिक्स डबल्स एंड मेन्स टीम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और मेन्स डबल्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम में हुआ था। एंड एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल दोहा में इन्होंने मेन्स टीम एंड डबल्स में प्राप्त किया, इसलिए इनको मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो किसको मिला? सिर्फ एक व्यक्ति को मिला, अचंत शरत कमल को टेबल टेनिस खिलाड़ी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार खेल क्षेत्र में भारत का अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1961 में हुआ और यह किसको दिया जाता है? दोस्तों यह भी पिछले 4 वर्षों में विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और इसमें 15 लाख धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। अब बात करते हैं 2022 में किन खिलाड़ियों को दिया गया। तो 2022 में अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया गया। इन 25 खिलाड़ियों का नाम हम फटाफट बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला पुरस्कार इसमें दिया गया, पहला है सीमा पुनिया जो एथलेटिक्स में दिया गया है, दूसरा एथोस पाल जो एथलेटिक्स से है, तीसरा अविनाश मुकुंद सेबल जो एथलेटिक्स से हैं, चौथा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है लक्ष्य सेन, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको जरूर याद रखिएगा। लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन से है और ये कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीती है बैडमिंटन में जीते हैं एंड विश्व चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से और विश्व चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। पांचवा है आपका एच एस प्रणय जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। छठवां दिया गया अर्जुन पुरस्कार अमित मुक्केबाजी को। सातवां है निकहत जरीन मुक्केबाजी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, निकहत जरीन जो मुक्केबाजी से है। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आठवां है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो शतरंज खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नौवां दिया गया है अर्जुन पुरस्कार आर प्रज्ञानानंद, शतरंज खिलाड़ी है ये भी, दुनिया के नंबर वन शतरंज के चैंपियन है मैग्नस कार्लसेन जिनको इन्होंने हरा चुके हैं। दसवां है डीप प्रेस एक्का जो हॉकी प्लेयर है। ग्यारहवां सुशीला देवी जूडो से रिलेटेड है। बारहवां है साक्षी कुमारी कबड्डी से रिलेटेड है। तेरहवां है नयन मोनी सैकिया जो लॉन बाउल से हैं। जैसा कि दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है नयन मोनी सैकिया लॉन बाउल्स में। जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में महिलाओं की लॉन बाउल्स टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता जिसका हिस्सा नयन मोनी सैकिया थी, तो ये लॉन बाउल खेल में पहली बार किसी महिला ने जीता है। नेक्स्ट है 14वां अवार्ड है मिला है आपको अर्जुन पुरस्कार में सागर कैलाश ओवलकर को जो मलखंब से रिलेटेड है। दोस्तों मलखंब जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वां अवार्ड मिला है आपको एला वेनिल वाला रिवन को शूटिंग में। 15वां है ओम प्रकाश मिथरवल निशानेबाजी। 17वां है श्रीजा अकुला टेबल टेनिस। 18वां विकास ठाकुर भारोत्तोलन। 19वां है अंशु कुश्ती, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ 2022 और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है अंशु कुश्ती से रिलेटेड है। 20वां है सरिता जो कुश्ती से रिलेटेड है। 21वां है परवीन जो उसू से संबंधित है। 22वां है मानसी
गिरीश चंद्र जोशी जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, 23वां है तरुण ढिल्लो जो पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है, 24वां है स्वप्निल संजय पाटिल जो पैरा स्विमिंग से रिलेटेड है, 25वां है जर्लिन अनिका जे जो डेफ बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये 25 खिलाड़ियों को दिया गया है 2022 में अर्जुन पुरस्कार। अब तीसरा भारत का सर्वोच्च खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 से हुआ और यह उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है, उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने 4 वर्षों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करते हैं। और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है भाल चंद्र भास्कर भागवत जो कुश्ती के कोच थे और इसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है। अब बात करेंगे 2022 में किन खिलाड़ियों को मिला, तो नियमित श्रेणी में 4 खिलाड़ियों को मिला है जिसमें जीवन ज्योति सिंह तेज तीरंदाजी से हैं, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से हैं, सुम्मा सिद्धार्थ सिरूर शूटिंग चालू से हैं एंड सुजीत मान कुश्ती से हैं। जैसा कि दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम दो दिया जाता है, जिसमें से द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड जो है 2011 से दिया जा रहा है, 2011 में स्थापित हुआ, और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 20 साल या इससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। और प्रथम द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है कुंतल राय जो एथलेटिक कोच थे और राजेंद्र सिंह जो हॉकी कोच थे। 2022 में 3 लोगों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, जिसमें से है दिनेश जवाहर बालक क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल में, राज सिंह कुश्ती में। अब चौथा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2002 से हुआ दोस्तों, और यह एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 10 लाख धनराशि दिया जाता है और प्रथम पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया साहू राज बिराजदार को जो मुक्केबाज थे, और अशोक दीवान जो हॉकी से रिलेटेड थे, और अपर्णा घोष जो महिला बास्केटबॉल कोच थी, जो ये सब तीनों है प्रथम प्राप्तकर्ता। 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया है जिसमें है अश्विनी अंकुजी सी एथलेटिक्स से, धर्मवीर सिंह हॉकी से, बीसी सुरेश कबड्डी से, नील बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स से। एंड 5वां है दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में स्थापित हुआ और यह किसको दिया जाता है, यह पिछले 3 वर्षों में खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कॉर्पोरेट्स जो निजी और सार्वजनिक दोनों होती हैं और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। 2022 में किन कॉर्पोरेट्स या संगठनों को दिया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो यह दिया गया पहला है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षित श्रेणी में दिया गया है ट्रांस स्टेरिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को। दूसरा दिया गया है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में दिया गया है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। तीसरा दिया गया है विकास के लिए खेल श्रेणी में जो लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। दोस्तों 6वां है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसमें आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी।
मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 में हुआ और 1956-57 से दिया जा रहा है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो 1956-57 से दिया जा रहा है। और यह किसको दिया जाता है? यह पिछले एक साल के अंदर में अंतर विश्वविद्यालय, यानी एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में टूर्नामेंट होता है, तो अंतर विश्वविद्यालय में शीर्ष यानी कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जो उसमें विजेता होता है। तो इसे 15 लाख धनराशि दिया जाता है। और प्रथम मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विजेता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और 2022 में विजेता है अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी की, इसको 60 में माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। तो 2022 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दिया गया? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को, जो अमृतसर पंजाब में है। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा बार विजेता बनने वाला विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पाने वाला कौन है दोस्तों? 23 बार प्राप्त किया है सबसे ज्यादा बार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सबसे अधिक बार जीता है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सबसे पहले किस विश्वविद्यालय को दिया गया? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। सबसे ज्यादा बार किसको दिया गया, कौन विजेता है? तो 23 बार का विजेता है, 23 बार अभी तक में प्राप्त किया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 2022 में कौन विजेता है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, किसको किसको किस खेल में दिया गया। तो दोस्तों आई होप कि सभी चीजें आपको कंफर्म हो गया होगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता। 2 से 3 बार आप वीडियोज को देख लीजिए, सभी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए और फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।